नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ। पनवेल के पीएफआई सचिव समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पनवेल के पीएफआई सचिव समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने पनवेल के पीएफआई सचिव को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें कि पनवेल में बैठक की सूचना पर एटीएस की कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के तीन कार्यकर्ताओं को पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि गिरफ्तार लोगों में एक स्थानीय इकाई सचिव और संगठन की राज्य विस्तार समिति के दो अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एटीएस के पास पनवेल में पीएफआई के दो पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक के बारे में विशेष जानकारी थी। बताते चले कि समूह को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूछताछ के बाद चारों को सख्त गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 10 के तहत मुंबई में एटीएस की काला चौकी इकाई में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है महाराष्ट्र से, पनवेल के पीएफआई सचिव समेत ही चार लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में भारत के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगाया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूएन में भारत के प्रस्ताव पर चीन ने लगाया वीटो। हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद पर था प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को मिला है चीन का साथ और हाफिज तलहा सईद को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव था। 5 महीने में 5 बार चीन ने आतंकवादियों का बचाव किया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को चीन का साथ मिल गया है। और यूएन में भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर चीन का विरोध है और चीन ने इस साल 4थी बार आतंकवादी को लेकर ही पाकिस्तानी आतंकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में ही ग्लोबलिस्ट टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है। इस बार चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लश्कर के आतंकी शाहिद महमूद को ही ब्लैकलिस्ट होने से बचाया है। चीन ने यह अड़ंगा ऐसे समय में लगाया जब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भारत में हैं और इस दौरान उन्होंने मुंबई में 26/11 के हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। मुंबई में यह हमला लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों ने ही किया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तानी आतंकियों को चीन का साथ मिल गया है। यूपी के प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में आरएसएस नेता दत्तात्रेय होस भोले का बयान सामने आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें प्रयागराज से, जहां पर आरएसएस नेता का बड़ा बयान सामने आया है। होस भोले ने कहा है, धर्मात्मक जनसंख्या असंतुलन का कारण है। और दत्तात्रेय होस भोले ने मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि संघ देश के हर जिले के एक गाँव को मॉडल गाँव के तौर पर लेगा और इसके साथ ही इन गाँव के सामाजिक और आर्थिक विकास करने का बैठक में ही संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में देश में तेजी से बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन की समस्या को लेकर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए ही जनसंख्या नीति बनाए जाने की मांग उठी है। और ये भी कहा गया है कि ये नीति देश के सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होनी चाहिए। तो आपको प्रयागराज से खबर बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस नेता का बड़ा बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केवड़िया मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वयारा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम मोदी के साथ भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस दिखेंगे। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और पीएमओ के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन लाइफ से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में भारत मिशन लाइफ का बुकलेट, लोगो और टैगलाइन भी दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें,
एक और बड़ी खबर आपको बता दें अमित शाह को लेकर। अमित शाह करेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ओखला में कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट है और इसी दौरान आम आदमी पार्टी का अमित शाह का निशाना भी है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना कर हमला बोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपने शाह का भाजपा आने का न्योता जो है वो दिया है और इसके साथ ही एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल देखने को मिल रही है। अमित शाह आज करने जा रहे हैं बेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको दे दें जहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला कर दिया है। आपका कहना है कि बीजेपी को 17 साल बाद याद आया है दिल्ली का कूड़ा और दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर अब रास्ता जो है वो हो गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इसी बीच अब दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी बढ़ने लगी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।